वेलकम टू SSCG जी दोस्तों, हाजिर आपके सामने फिर से पॉलिटिका पार्ट टू लेके। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो पार्ट वन में हमने कंप्लीट किया था 40 क्वेश्चन के अप्रोक्स। इसमें भी हम लोग 40 के अप्रोक्स कंप्लीट करेंगे, और जो बाकी बचेगा दोस्तों उसमें हम लोग जो भी जहाँ से सोर्स से लिया गया है, जैसे कि आपका रूल्स ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया, अमेंडमेंट कहाँ से लिया गया, किस देश से लिया गया, वो सब भी इसमें क्लियर करके बताएंगे, प्लस आर्टिकल वार्टिकल से रिलेटेड कुछ कुछ चीज बताएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं। तो आप जानते हैं कि PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और TikTok पे आप लोग बहुत ही अच्छा हम लोग को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, इसी तरह फॉलो करते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चन है, 40 कंप्लीट हो गया था। द कन्वेंशन डैट वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड इन, तो ये कहाँ पे फॉलो होता है दोस्तों? तो ये फॉलो होता है UK में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय, तो किस एक्ट के द्वारा ये फॉरवर्ड हुआ था? तो आप जानते हैं 1935 का जो एक्ट था उससे फॉरवर्ड हुआ था। तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। Which of the following is not considered as a democracy? Sorry, considered a democracy. तो इसमें से कौन है दोस्तों? तो आप जानते हैं कि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। A big difference is there in between principle and behavior. तो क्या डिफरेंस है दोस्तों प्रिंसिपल और बिहेवियर में? इसको समझने के लिए आपको पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव का हेड रहते हैं वो कौन रहते हैं? हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है? बट इन रियलिटी सारा एग्जीक्यूटिव का पावर किसके हाथ में होता है? PM, ठीक है? That's why there is a big difference in between principle and behavior. किसमें? तो parliamentary form of government में होता है, ठीक है? तो option C इसका correct है। Next, which of the following is a feature of presidential form of government? इसमें से कौन है जो कि feature है presidential form of government का? तो दोस्तों ये तीनों ही feature है presidential form of government का। Protect the freedom of people, ensure the speedy execution of policy, fixed term स्टेबलाइज द सिस्टम, ठीक है? तो ये ऑल ऑफ दिस होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। व्हेन वाज द फर्स्ट सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड? तो आपको याद रखना होगा इससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है? पहला तो ये कब हुआ था? ये 1921 में हुआ था, ठीक है? तो मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। सेकेंड पूछता है कि इसका पहला इंडियन प्रेसिडेंट कौन है, तो होप वो क्वेश्चन आएगा। ऐसे वित्तल भाई है, ठीक है? देखिए यहाँ पे आ गया। तो ये क्या है कि पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन थे सेंट्रल लेजिस्लेचर के? तो वो कौन थे? वित्तल भाई पटेल, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लोकल गवर्नेंस इज द फाउंडेशन ऑफ, तो क्या चीज का फाउंडेशन है? ये डेमोक्रेसी का, ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों सॉवरेन पार्लियामेंट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो ये किस देश का कॉन्ट्रीब्यूशन है ये बनाने का सॉवरेन पार्लियामेंट? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ये वर्ल्ड को किसने दिया था? ये दिया था आपका इंग्लैंड ने, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अडॉप्टेड, तो ये कहाँ से क्या चीज लिया गया था? जैसे फंडामेंटल राइट है, ठीक है? ये सब कहाँ से लिया गया था? बहुत सारा चीज है, अमेंडमेंट का है, ठीक है? तो ये सब कहाँ से लिया गया था, ये क्वेश्चन एक ना एक रहता है। तो इस पर मैं पूरा लिस्ट आपको दूंगा जिससे आपको याद करने का तरीका बताऊंगा, वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा, ठीक है? तो इसमें पूछा है कि फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, तो आप जानते हैं अमरीका से लिया गया है, ठीक है? तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगर यही पूछ देता फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिया गया, तो USSR से लिया गया था, उस टाइम पे USSR था रसिया, ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों, इन इंडिया सिंगल सिटीजनशिप हैज बीन अडॉप्टेड फ्रॉम, तो किससे लिया गया, कौन देश से लिया गया सिंगल सिटीजनशिप का, तो ये लिया गया हमारा ब्रिटेन से, सॉरी इंग्लैंड, यहाँ ब्रिटेन तो नहीं, इंग्लैंड, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द रूल ऑफ लॉ, LAW, ठीक है, लॉ है, लो हो गया, तो द रूल ऑफ लॉ इज, ये रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया, ये कहाँ का है, तो रूल ऑफ लॉ हम लोग किससे लिए, ब्रिटेन से लिए, ऑप्शन ए। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम वेयर डिड इंडिया अडॉप्टेड द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, तो दोस्तों ये किससे लिया गया, फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, कौन देश से लिया गया, देख रहे हैं आप बहुत सारे देश से पूछा रिलेटेड, और भी जो बचा उसमें भी कंबाइंड में पूरा बताऊंगा पार्ट 3 में, ठीक है, तो ये लिया गया है कनाडा से, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन फेडरलिज्म इज क्लोजर टू, देखिए अभी आपको बताया गया कि फेडरल सिस्टम हम लोग कहाँ से लिए, तो भैया वो लिए कनाडा से लिए, तो इंडियन का फेडरलिज्म किससे क्लोजर होगा, ऑब्वियस सी बात है कनाडा से होगा, तो ऑप्शन सी, जस्ट घुमा के इस क्वेश्चन को पूछ दिया। नेक्स्ट है दोस्तों, वेयर इज द वर्ल्ड वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा, ठीक है, कहां पे पूछा गया ये फेडरल वर्ड का यूज किया गया, किस में किया गया फेडरल वर्ड का यूज, तो भैया आप एक चीज का याद रखिए कि फेडरल ना ही लिखा हुआ हमारा प्रियम्बल में, ना ही पार्ट 3 में, ना ही आर्टिकल 368 में, मतलब नो वेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन, क्लियर, ये वर्ड कहीं नहीं लिखा हुआ फेडरल, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट, इसमें से कौन फीचर नहीं है सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट का, तो ये क्या है, जुडिशियल रिव्यू, ऑप्शन बी। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द सेम कॉन्स्टिट्यूशन पावर विच, यहाँ पे पाकिस्तान ऑफ, प्रेसिडेंट ऑफ US, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस या ब्रिटिश क्राउन, तो इसका जो सेम पावर किसकी तरह है, ब्रिटिश क्राउन की तरह, ऑप्शन ए। क्लियर, तो US का तो हो नहीं सकता, अब समझे फेडरल सिस्टम चलता वहां पे, अभी आपको मैं बताया था। चलिए नेक्स्ट चलता हूं, द सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ, तो वाइसरॉयल्टी ऑफ किसके टाइम पे किया गया था, किसके टाइम पे प्रेजेंट किया गया था, तो ये किया गया था लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम, तो डायरेक्टिव DPSP किससे लिया गया है, तीन चीज अभी तक आप देख चुके हैं दोस्तों, एक तो आपने देखा है कि फंडामेंटल राइट किससे लिया गया है, USA से, ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज किससे, रसिया से, जो कि USSR था उस समय, ठीक है, देन फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया गया, कनाडा से, ठीक है, देन रूल ऑफ लॉ किससे लिया गया है, रूल ऑफ लॉ इंग्लैंड से, ठीक है, तो अब यहां पे पूछा है कि DPSP किससे लिया गया है, तो ये किससे लिया गया, आयरलैंड से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया मतलब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस वाज हैव टेकन द प्रोविजन ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो ये जुडिशियल रिव्यू किससे लिया गया, तो देखिए इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा देश से लिया गया, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, तो जुडिशियल रिव्यू हम लोग कहाँ से लिए दोस्तों, तो जुडिशियल रिव्यू हम लोग लिए USA से, फंडामेंटल राइट भी लिए और जुडिशियल रिव्यू भी लिए USA से, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, द इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ इंडिया, ये इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया, तो इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया, USA से, तो USA से आप देख रहे हैं तीन चीज, फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट, ये तीनों किससे, USA से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर हैज बीन एडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA बाय द मेकर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, इसमें पूछता है क्या फीचर इसमें से यूएसए से लिया गया है, ठीक है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप जानते हैं जुडिशियल रिव्यू लिया है, फंडामेंटल राइट्स लिया है, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट मीन्स इम्पीचमेंट प्रोसेस, है ना। तो तीनों तो लिया था, हम अभी देखे तीनों सेपरेट क्वेश्चन, दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आपका, फ्रॉम वेयर हैव वी बोरोड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किससे लिए, अभी आपको बताया था, ब्रिटेन से, ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों द सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन। देखिए दो चीजें, एक है इलेक्शन और एक है नॉमिनेशन, आपको पहले बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए इस बात को। इसमें क्वेश्चन क्या है, सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हैज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, किस देश से लिया गया। तो यहाँ नॉमिनेशन का बात हो रहा है दोस्तों, तो नॉमिनेशन के लिए हम लोग आयरलैंड से लिए थे, बट इलेक्शन ऑफ बोलेगा राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा बोला तो क्या होगा, साउथ अफ्रीका, बोलिए आपको याद हुआ। अगर बोला कि नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बोला दोस्तों तो आयरलैंड है, अगर मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बोला, इलेक्शन ऑफ राज्यसभा बोला, ठीक है, तो वो क्या होगा, साउथ अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। द एजम्पशन ऑफ कंकरेंट लिस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम, कहां से लिया गया, ये कंकरेंट लिस्ट कहां से लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा पूछ रहा है कि किस देश से, कहां, कौन सा देश से बोरोड किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका, कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसका क्या पॉपुलर स्लोगन था, ठीक है, तो इसका पॉपुलर स्लोगन क्या था दोस्तों, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटरी एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस या गवर्नमेंट, इसमें से कौन है, ठीक है, तो आप जानते हैं इसमें से फ्रांस इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो ये यूनिटरी एज वेल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें, ठीक है, तो याद रखिएगा फ्रांस के लिए जब भी बोला जाएगा तो यूनिटरी एज वेल एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इसमें, ठीक है। जैसे अगर आपको बोला जाए ब्रिटेन में क्या यूनिटरी है प्लस क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज बेस्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, तो ये आपका बोलना चाहता है कि ये बिल के बारे में पास्ट होगा, सॉरी, हैज पास्ट इन्वायरमेंट, पास द इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बिल। तो ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कब पास किया था ये इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बिल को, तो दोस्तों इसको आप देखिए ये भूल सकते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए 1 9 सब में कॉमन है, ठीक है, तो 9 के जस्ट एक कम क्या आएगा, 8 आएगा, और उससे फिर दो कम क्या आएगा, 6, तो 1986, दैट मीन्स ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, तो डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया, इंडिया में किस टाइप का डेमोक्रेसी को हम लोग फॉलो करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव टाइप को फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंशियल नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, डिक्टेटरशिप तो एकदम नहीं है, तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, डेमोक्रेसी हमारा। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेटेड इन, कहाँ पे सबसे पहले सोचा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ है, तो ऑब्वियस बात है जानते हैं ब्रिटेन इसका जन्मदाता है, ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, कैबिनेट सिस्टम एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, तो आप जानते हैं किसका है, ब्रिटेन का, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेयर डू वी फाइंड द आइडियाज
ठीक है, यहाँ पे आइडियल हो गया, यहाँ पे आइडियाज, वेयर डू वी फाइंड द आइडियाज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कहाँ पे आप फाइंड करेंगे? ठीक है, तो ये आपको कहाँ मिलता है दोस्तों? ये प्रियम्बल में मिलता है, ऑप्शन ए। टाइपिंग एरर के लिए थोड़ा सा माफ कीजिएगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। द मेथड ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बाय पॉपुलर विटो इज फाउंडेड, तो पॉपुलर विटो का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेशन में है ना, सिटीजन लोग भी भाग लेता है, ठीक है, तो ये कहाँ होता है? ये स्विट्जरलैंड में होता है, ऑप्शन बी। याद रखिए, पॉपुलर विटो कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज शोज दैट द इंडिया इज अ कंट्री विच इज, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है? डेमोक्रेटिक है। तो ये आप कैसे इसे कैसे समझेंगे? तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या है कि एवरी सिटीजन हु इज एन एडल्ट हैज द राइट टू वोट, जो भी सिटीजन एडल्ट है उसके पास राइट टू वोट, अगर वो है तो दैट मीन्स वो कंट्री क्या है? डेमोक्रेटिक है। दैट इज क्लियर, ओके, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों, नेम द कंट्री, नेम ऑफ कंट्री फ्रॉम विच द कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स ऑफ प्रोसीड्यूर्स फॉर अमेंडमेंट वॉज बोरोड, तो अमेंडमेंट कहाँ से, किस देश से अमेंडमेंट का सिस्टम जो है ये बोरो किया गया, प्रोसीड्यूर को बोरो किया गया, तो आपको मैंने बताया था ये कहाँ, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया, ऑप्शन सी। तो ये हमारा 35 के अप्रॉक्स इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसके बाद और बचेगा 25 के अप्रॉक्स, 24 या 25, ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट में, उसको थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे, ताकि आपको हम जो भी दूसरे कंट्री से हम लोग बोरो किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो बताएंगे, प्लस कुछ देखेंगे शेड्यूल का एक बनाएंगे, ठीक है, देन आपका आर्टिकल पे कुछ एक इम्पॉर्टेंट बनाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पहला जो हमारा पार्ट है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो अभी के लिए थैंक यू।